हम आ गए हैं जावा के शोरूम में क्योंकि यार तीन नई और मोस्ट अवेटेड बाइक्स जो ये इसने लॉन्च करी है वो आ चुके हैं यहाँ पे। सो एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू YouTube चैनल एंड टू अनदर वीडियो। वीडियो है भाई, ब्लॉग नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। आपको यहाँ डिस्क मिल जाती है और यहाँ पर जो एक लुक निकल कर आ रही है मेरे को बहुत सही लगी है। ये है कि ये तो मडगार्ड है ही, आपको इसको अगर हटवा दोगे ना तो ये अलग लुक आएगी। यहाँ पर मिल जाती है आपको ऑल डे रनिंग लाइट और जब ऑन करेंगे, अभी तो इसमें पेट्रोल नहीं है तो ये पूरी LED हेडलाइट है। ट्राइडेंट की तरह लग रही है, ट्रायम्फ की ट्राइडेंट। हाँ, ट्राइडेंट की तरह लग रही है, ठीक है। दूसरा ये है LED इंडिकेटर, ठीक है, ये अच्छी बात है। और इसमें जो इंडिकेटर है वो योट जो रोडस्टर है उससे पूरे अलग है, उसमें ऑरेंज कलर के है, इसमें वाइट कलर के, ठीक है। बाकी इसको कहने हैं ऑफ, लुक की बात करें बाकी टैंक देखो इसमें, इसमें कोई भी आपको जो है सिंबल जिसको कहते हैं बॉस या ऊपर से वो नहीं मिलता है। इसमें आपको मिलता है स्टिकर और यहाँ पर लिखा है लेजेंडरी YZD। ये देखो स्टिकर जा रहा है पूरा। और अगर कलर स्कीम की बात करें तो यार मेरे को काफ़ी टील सा जो होता है, टील वाला जो कलर होता है ना वो आ गया। यहाँ पर आपको मिल जाएगी टैंक रिप्स, जो आप बैठोगे तो आपका टैंक पे एक तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे, दूसरा आपका जब ये है कि पैर फिसलेगा नहीं। बाकी टैंक की बात कर ही रहे हैं तो आपको बताता हूँ यार, इसमें मिलता है 12.5 लीटर का टैंक जो कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज हाईवे पे 36 की और जो सिटी राइडिंग आप अपने हिसाब से करते हो तो उसमें कर रही है 36 की। तो वो आप जब करोगे, आप खरीदोगे बाइक तो आपको पता चल जाएगी। डिजिटल मीटर है पूरा, कुछ भी एनालॉग है नहीं यहाँ पर, वही सब रोडस्टर वाले, ये पूरा मामला वही है। यहाँ पर गियर आ रहे हैं, यहाँ पे ओडोमीटर आ रहे हैं, यहाँ पे स्पीड आ रही है, ये RPM का है जो यहाँ आप रेस करोगे, रेस दोगे तो ऊपर पड़ेगा। यहाँ न्यूट्रल आ रहा है, ये ABS की लाइट हट जाएगी जब आप चलाना शुरू करोगे। यहाँ पर आ रहा है फ्यूल गॉज पूरा, यहाँ साइड स्टैंड का वो आ रहा है। और इसमें है, इसमें कुछ अलग है, इसमें है अपने रोड मोड्स। एक तो ये ओडो का आ रहा है ट्रिप भी दिख रहा हो तो, रोडस्टर में जैसे बीच में होता है, बीच में नहीं है इसका साइड में, तो यहाँ से आपको हेडलाइट दिखती है। प्लस ये आपको क्या होता है, ये स्टेबल कर देता है, आपकी जो वाइब्रेशन आती है हैंडल बार वगैरह पे वो कम हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। पावर फिगर्स की बात करें तो यार इसमें आ जाती है 29.1 की हॉर्स पावर और 28.2 का टॉर्क, जो दोनों पावर फिगर्स हैं वो रोडस्टर से एक एक तकरीबन BHP का फर्क है, तो थोड़ी ज़्यादा है, रोडस्टर में कम है, बट मेरे ख्याल से जो आपको थंप है वो उसमें ज़्यादा मिलेगा। सीट भी ज़्यादा सुंदर लगी, मतलब आप बैठोगे एलिगेंट भी बहुत अलग से, सिंगल सीट आ रही है, सिंगल सीट डिज़ाइन है। और अगर कुशनी की बात करो तो एक बार बैठ के देख ही लेते हैं इस बार, कुशनिंग है तो पता नहीं चल रहा है, चला के देखिए तो बच सकते, बट जो डिज़ाइन दे रखा है सीट का ऐसे कट ला के पूरा दे रखा है, बहुत सही आ रहा है। अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो एग्जॉस्ट जैसे रोड साइड में आपको पूरा मैट ब्लैक आ रहा था, इसमें मैट ब्लैक आ रही है। इसमें अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से जैसे कस्टम एग्जॉस्ट होते हैं बाहर वाले होते हैं वगैरह में मैट फिनिश में आपको दिख रहा है, ताकि आपकी 800 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस आ रहा था 200 mm का। इधर आओ, ये स्क्रैम्बलर का जो एक अलग सा, मतलब सब में अलग अलग डिज़ाइन दे रखा है, इसमें स्टिकर है। बाकी पीछे से अगर लुक देखेंगे तो पीछे आपको मिल जाता है विंड शॉक सस्पेंशन 240 mm की डिस्क। तो इसमें जो स्पेशल बात है, इसमें दोनों में स्पोक व्हील्स है, आगे पीछे एडवेंचर कर सकते हो, फुल ऑफ रोड लेके जाओ। और टायर जो है इसमें ट्यूबलेस डले हुए हैं, बट अंदर जो है ट्यूब डली है, तो अगर आपको कभी आगे इसमें करना हो, पूरे रिम विम इसके आ रहे हो तो आपको डालना हो, तो आपको टायर चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ट्यूबलेस टायर, ठीक है। बाकी टेल की बात करें तो इसमें टेल यहाँ से कुछ निकली हुई, बस ये LED टेल लाइट है, ये आपको दिख जाता है, मडगार्ड नीचे लगा हुआ है, ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है। और टायर की लुक बहुत प्यारी आ रही है और दोनों तरफ एक दौर से, बट सिंगल सिलेंडर इंजन है। इधर एक चीज़ दिखाएं तो इधर ये है, ये क्या होता है, जो नॉर्मल अपनी नॉर्मल बाइक से आपने देखे होंगे तो रबर आइस वाले होते, तो इतने काबिल नहीं होते जब आप ऑफ रोडिंग पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो इसमें अगर मैं ऐसे करूँगा तो पैर जो होता है वो लॉक हो जाता है, जैसे राइडिंग शूज़ वगैरह होते हैं तो वो लॉक हो जाते हैं। बाकी इस बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको मिल जाती है 2,00,000 ऐसी कुछ प्राइसिंग है इसकी एक्स शोरूम। और हर स्टेट्स में ऑन रोड प्राइस यार ऑब्वियसली अलग ही होता है, तो दिल्ली की जो इस शोरूम में मैं अभी खड़ा हूँ इसकी ऑन रोड प्राइसिंग 2,44,700 समथिंग है। और इसमें आ जाते हैं दो कलर्स, एक ये आपके सामने खड़ा ही है और एक दूसरा कलर जो मैं दिखा दूँ, एक दूसरा कलर ये खड़ा जो रेड कलर का, रेड और सिल्वर के साथ
तो अगर मेरी पसंद पूछोगे तो मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि यार मैं रेड बाइक चलाता हूँ, ब्राइट रेड कलर आ रहा है जो मेरी बाइक में है वो मतलब ब्राइट था पर यह अलग कलर है वो अलग टोन है, तो मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है। बट अगर पर्सनल फेवरेट की बात करें और लेके निकले बाइक को हर कोई प्रेस करेगा और मतलब खड़ी कर दोगे तो भीड़ तो लग जाएगी।